अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन फूड ट्रांसफॉर्मर चैनल। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च कीमा। इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आधा किलो कीमा है हमारे पास, एक टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 अदद शिमला मिर्च चॉप की हुई, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया सफ़ेद जीरा का पाउडर, 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 3 अदद मोटी हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून जो हरा धनिया चॉप चाहिए, 4 टमाटर लिए, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। पैन में तेल 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने डाल दिया है और आप मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। 2 से 3 मिनट लहसुन अदरक को भूनूंगी और इसके बाद डालूंगी कीमा। अब इसमें डाल देंगे कीमा। कीमे को अच्छी तरह लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। अच्छा, मैंने ये गाय का कीमा लिया था और इसको मशीन में से निकलवा लिया था, ये हाथ का कीमा नहीं है। तो नाज़रीन, कीमे का पानी जैसे ही खुश्क होता है फिर हम वापस आते हैं। कीमे का पानी खुश्क हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी बाकी मसाले। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी, तो मैंने बारीक चॉप किया हुआ था। अब इसको 3 से 4 मिनट ढककर पकाएंगे इसको, जब तक टमाटर भी गल जाएंगे और पानी भी खुश्क हो जाएगा टमाटरों का। लो फ्लेम पे इसको गलने तक पका लेंगी। साथ ही मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्चें जो बारीक कटी हुई थी और इसको मिक्स करेंगे और इसको टमाटर को बिल्कुल मैश कर लेंगे इसमें। कीमा अच्छी तरह भून चुका है और कीमे में से ऑयल निकल चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 ग्लास पानी। और फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगी। जैसे ही पानी खुश होगा और इसमें से घी निकलेगा, मैं इसमें शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च। कीमे में से ऑयल निकल चुका है, अब मैं डालूंगी कटी हुई शिमला मिर्च और इसको फ्राई करूंगी इसमें।
अब मैं डालूंगी इसमें सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, अब इसमें डालूंगी कटी हुई हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। मिक्स करके और इसको 2 से 3 मिनट तक दम पे रख दूंगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और साथ ही हरा धनिया भी डाल दूंगी, बाकी का हरा धनिया हम सर्विंग के लिए रख देंगे, सर्व करते हुए डालेंगे। दम लग चुका है कीमे को और फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आप। अब इसको हम आपको डिश आउट करके, मज़ेदार सा शिमला मिर्च कीमा हमारा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो नाज़रीन, ये है आज का मज़ेदार सा शिमला मिर्च कीमा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे मेरे चैनल की हौसला अफज़ाई होती है। आप लोग ज़रूर बताया करें कमेंट्स में। मिलती हूँ न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।